नालंदा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद अब एटीएस की टीम विस्फोट की जांच करने पहुंची है। एटीएस ने 7 सदस्यीय टीम घटनास्थल से विस्फोटकों का नमूना इकट्ठा करके जांच में जुट चुकी है। आपको बता दें कि नालंदा के सोहसराय इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। कुछ सामान को इकट्ठा कर जांच में जुट चुकी है एटीएस की टीम की किस तरीके का यह विस्फोट था। 5 लोगों की जिसमें जान गई, 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।